वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास और आज मैं पहुंच चुका हूं तिरुपति बालाजी धाम की जय। ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज आइए, फॉलो मी, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन कम फॉलो, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के मुंह पे एक ही नाम होना चाहिए और वो है गोविंदा। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज रेज योर हैंड्स अप और ऊंची आवाज में सभी क्या बोलेंगे, गो तो देखिएगा यहां पर प्रभु जी आपको, यू हैव टू स्टे क्लोज बिकॉज द माइक हैज अ प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट मूव इनसाइड, कम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस समय तिरुपति बालाजी धाम आ चुका हूं। तिरुपति का अर्थ क्या है, आई विल बी टेलिंग यू 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। आइए प्लीज लेट देम गो, प्लीज लेट देम गो फॉर दर्शन। गिव मी द माइक प्लीज, गिव मी द फोन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू इस्कॉन तिरुपति। You are about to witness some mesmerizing darshans and some mind-boggling facts of Lord Venkateshwar Balaji. All right. So, pehle mere saath, if you can just fix the screen, it is about to fall. Please sing with me. Nanda Nandana Govinda Srinivasa Hari Govinda Nitya Nirmala Govinda Govinda Hari Govinda Govinda Hari Govinda Venkatramana Govinda Govinda Hari Govinda Srinivasa Hari Govinda Papa Nivarana Govinda। आपके पापों को निवारण करते हैं गोविंदा। फैक्ट नंबर वन, तिरुपति का अर्थ क्या होता है? Can you just raise it a little bit? Like here. Tirupati means, Tiru means Lakshmi and Pati means husband. So Tirupati stands for the master of Lakshmi Devi. Jo Lakshmi Devi ji ke kya hai? Pati hai. Wo hai Tirupati. Yahan par Bhagwan ko Venkateshwar ke naam se kilaya jata hai. Fact number two ye hai. Venkateshwar ka arth kya hai? Venk ka matlab hota hai paap aur kat ka matlab hota hai काटना या नाश करना। तो वेंकटेश्वर का अर्थ हुआ जो आपके सभी प्रकार के पाप को नाश कर देते हैं, उनको काट देते हैं, वो है वेंकटेश्वर बालाजी। वेंकटेश्वर का एक और अर्थ है, फैक्ट नंबर थ्री। वेंक का मतलब होता है अमृत और वेंकट ईश्वर, ईश्वर या ऐश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य, अर्थात जो आपके जीवन में अमृत लेके आ जाए, जो आपके जीवन में ऐश्वर्य लेके आए, वो है वेंकटेश्वर बालाजी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बालाजी का मंदिर तो शायद हनुमान जी का है, या कुछ लोग कहते हैं कि बालाजी का मंदिर तो भगवान शिव जी का है, लेकिन ये तिरुपति में, तिरुमला में या शेषाद्रि में अपॉन दी सेवन हिल्स जहां पर भगवान तिरुपति या वेंकटेश्वर बालाजी विराजमान है, वो ना ही भगवान शिव जी हैं, ना ही वो भगवान हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी नहीं है, और ना ही वो कौन है शिव जी, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो साक्षात भगवान विष्णु है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी लीला सुनाता हूँ। आई एम राइट नाउ कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय। सो आई केम फ्रॉम द लैंड ऑफ द ईटिंग गॉड। जगन्नाथ जी तो बस खाते ही रहते हैं, और यहां पर तिरुपति में आई हैव कम टू द लैंड ऑफ द स्टैंडिंग गॉड। यहां पर भगवान विष्णु वेंकटेश्वर बालाजी जो है 9 feet, मैंने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स कल शेयर करे थे, यहां पर ऑन टॉप ऑफ द सेवेंथ हिल जिसको कहते हैं सप्तगिरी, या उसको हम वेंकटाद्री भी कहते हैं, मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा दूर से, यहां पर भगवान विराजमान है। इज ह्यूज, ह्यूमंगस। कम लेट्स गो इनसाइड एंड लेट मी शो यू द दर्शन्स ऑफ, क्या नाम है, तिरुपति बालाजी भगवान दिखने में कैसे हैं ऊपर जो पर्वत पे रहते हैं,
यहाँ पर अभी मैं इस्कॉन तिरुपति में हूँ। इट इज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपीयरेंस डे। तो बहुत ही आज दिव्य, इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, हमें मौका मिल रहा है दर्शन करने के लिए। आइएगा, प्लीज फॉलो मी, लेट्स गो। तो सभी पहले कमेंट करेंगे गोविंदा 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 श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा। तो मैं आपको बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ भगवान के बारे में और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ भगवान विष्णु जी हैं, जो तिरुपति बालाजी में जो वेंकटेश्वर हैं, वो है भगवान विष्णु। आप भगवान का भी दर्शन कीजिएगा, ये इस्कॉन तिरुपति के टेंपल में ये आपको दर्शन मिल रहे हैं। उसके बाद तो हम ऊपर जाएंगे, भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के जो दर्शन होते हैं वो तो सात पहाड़ों के ऊपर, इट्स कॉल्ड द सेवन हिल्स, वहां पर विराजमान है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी है वो क्या है, सबसे पहले जो वेंकटेश्वर जो बालाजी भगवान है, ये साक्षात जो अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है, इट इज नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी स्टोन, ऐसा कोई मामूली पत्थर नहीं है, भगवान है ये साक्षात। अगर आप भगवान के दर्शन करते हैं तो पुजारी कहते हैं जो भगवान के जो बाल हैं, द ओनली गॉड द ओनली डीटी इन द वर्ल्ड दैट हैज हेयर्स, जिनके बाल हैं वो है बालाजी भगवान। भगवान का जो टेम्परेचर है ना, फैक्ट नंबर फोर, भगवान का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, इट ऑलवेज स्टेज अराउंड 110 फ़ारेनहाइट। भगवान के जो थोड़ी पे ना, चिन पे एक हमेशा व्हाइट कलर का एक चंदन लगा रहता है, कैम्फर इसको भी बोलते हैं, कपूर का एक लेप लगा रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइंस कहती है व्हेन यू पुट कैम्फर ऑन अ स्टोन द स्टोन विल क्रैक, ये साइंस ने भी प्रूफ किया है। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के थोड़ी पे, चिन पे हमेशा कपूर लगाया जाता है, लेकिन उनके अर्च विग्रह को कुछ नहीं होता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट प्रूव दैट वेंकटेश्वर बालाजी इज जस्ट नॉट इन, ही इज वॉचिंग यू, ही इज सीइंग यू। यहां पर बालाजी की जो आंखें होती हैं वो बंद रहती हैं, भगवान जब धाम में वो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन बालाजी की आंखें बंद होती हैं। व्हाई द लॉर्ड कीप्स हिज आईज क्लोज्ड इज बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी फॉल्ट्स ऑफ हिज, भक्त के जो पाप है, जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो उनको नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद रखते हैं। आप दर्शन कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको और अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूं। एक बात जाननी बहुत जरूरी यह है कि पूरे साउथ इंडिया में और खासकर तिरुपति बालाजी में लोग यहां पर आकर क्या कहते हैं, गोविंदा गोविंदा। व्हाई डू पीपल से गोविंदा, व्हाई डोंट दे चैंट माधवा, व्हाई डोंट दे चैंट गोपीनाथा, देयर इज अ वेरी मैजिकल मिस्टिक स्टोरी लीला बिहाइंड दिस। ऐसा हुआ था कि अगस्त्य ऋषि के पास एक बार भगवान वेंकटेश्वर गए थे। सो द लॉर्ड वेंकटेश्वर वंस वेंट टू अगस्त्य मुनिज आश्रम एंड ही आस्क्ड अगस्त्य ऋषि टू गिव हिम वन काउ बिकॉज कृष्णा लव्स काउस। नमो ब्राह्मणी देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सो कृष्णा और लॉर्ड वेंकटेश्वर लव्स काउस, सो ही सेड आई वॉन्ट वन काउ। सो अगस्त्य ऋषि सेड इफ यू वॉन्ट वन काउ यू हैव टू कम विद योर वाइफ, आपको अपने धर्म पत्नी के साथ आना पड़ेगा। हु विल टेल मी द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ वेंकटेश्वर बालाजी, प्लीज टेल मी कमेंट करके, कौन बताएगा। सो द वाइफ नेम ऑफ द लॉर्ड इज पद्मावती। सो अगस्त्य ऋषि सेड प्लीज कम विद योर वाइफ पद्मावती,
देन आई विल गिव यू द काउ. क्योंकि जो गो का जो दान है वो पति पत्नी को एक साथ दिया जाता है. ऑल राइट, नाउ व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे वेंकटेश्वरा कम्स टू अगस्त्य मुनिज हाउस, हिज आश्रम, हिज हर्मिटेज. माताजी वॉन्ट्स टू बी इन द वीडियो. गोविंदा, बोलो बोलो गोविंदा. सो अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में भगवान वेंकटेश्वर जाते हैं और वो पूछते हैं कहां पर है ऋषि. लेकिन अगस्त्य ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, ही वॉज नॉट इन द आश्रम. सो हिज सर्वेंट डिड नॉट रिकग्नाइज द लॉर्ड. आई कैन सी द लॉर्ड इज ऑल्सो स्माइलिंग. तो वो भगवान को पहचान नहीं पाया, उन्होंने मना कर दिया, नो आई विल नॉट गिव यू एनी काउ बिकॉज आई डू नॉट नो हु यू आर. तो नाराज होकर रूठ कर वेंकटेश्वर बालाजी लेफ्ट द आश्रम. व्हेन अगस्त्य ऋषि केम बैक एंड ही आस्क्ड, डिड समवन कम आस्किंग फॉर अ काउ. सो हिज सर्वेंट सेड यस यस, देयर वाज अ टॉल टॉल गाय, अ टॉल पर्सन, वेरी ब्लैक इन कलर. वेंकटेश्वर बालाजी इज वेरी ब्लैक इन कलर यू नो. एंड व्हेन द पुजारी जी जब वो उनको अभिषेकम कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, एंड व्हेन दे यू नो ड्रेस हिम, यू कैन ऑलवेज फील हिज स्वेट ऑन हिज बैक एंड ऑन हिज यू नो फोरहेड. ही इज लिविंग यू नो, ही इज नॉट जस्ट अ स्टोन. बिहाइंड हिम एवरी टाइम यू कैन हियर द वॉइस ऑफ ओशन, समुद्र की आवाज आती है जहां पर वेंकटेश्वर भगवान दर्शन दे रहे होते हैं. Anyways, तो उन्होंने बताया कि yes, a very tall person came. He had black body. He had a huge tilak. लेकिन I said no, I will not give you the cow. अगस्त्य ऋषि बहुत गुस्सा हुए. आपने उनको क्यों मना किया? वो तो साक्षात भगवान है. So he went running from his ashram in search of. तो भगवान की खोज में अगस्त्य ऋषि निकल जाते हैं. खोजते खोजते he finds Lord Venkateshwara walking with his wife. So now he starts calling Govinda. Go in Sanskrit means cow. And Vunda in Tamil means take. Please take your cow. So he was repeating again and again. Govinda, 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 Govinda. Oh, Govinda. तो वो बार बार बोल रहे थे गो उंदा, लाइक टेक योर काउ, आप अपनी गाय को ले लीजिएगा. लेकिन भगवान सुन नहीं रहे थे. द लॉर्ड वॉज नॉट लिसनिंग एंड ही जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग. सो लाइक दैट अगस्त्य ऋषि चैंटेड 108 टाइम्स, 108 बार अगस्त्य ऋषि जी ने भगवान वेंकटेश्वर को क्या कहलाया, क्या बोलकर पुकारा, गो उंदा. और वो बोलते 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 इट बिकेम गो. Now the Lord stopped. भगवान रुक गए और बहुत ही मुस्कुराए. He became very pleased, very happy. He said, the same very Lord Venkateshwar said, I am very happy because you have called my name 108 times and this Govinda, this name is the most favorite name of mine. भगवान को जो सबसे प्रिय नाम है, भगवान का सबसे पसंदीदा नाम है, द नेम दैट द लॉर्ड लाइक्स टू हियर द मोस्ट इज गोविंदा. तो भगवान ने बोला आने वाले समय में पीपल विल कम टू तिरुमला, पीपल विल कम टू शेषाद्री, पीपल विल कम टू वेंकटाद्री एंड दे विल कॉल मी विद द नेम ऑफ गोविंदा. एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. 1000 पीपल वॉचिंग from all over the world, please comment Govinda right now, because if you comment Govinda, I will tell you what will be the benefit. Venkateshwar Bhagwan ji ne kaha, jo bhi is sthan par aakar Govind bolta hai, I will give him the blessings of taking my darshans, even though he does not come to Tirupati. So there are lot of people who are telling me, we have never been to Tirupati. When will Venkateshwar Balaji call us? Venkateshwar Balaji said to Agastya Muni, if anyone chants Govinda anywhere, I will give him the blessings of him taking my darshans. I will give him the blessings of coming to Tirupati. So now, if you want to be in Tirupati right now with your very own GKD, aapne kya comment karna hai? Govinda. तो इसलिए यहां पर लोगों को पता ही नहीं है
लोग आते हैं तिरुपति में गोविंदा 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 बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, जस्ट चैंटिंग, बट इट्स वेरी नाइस, एटलीस्ट दे आर चैंटिंग, बट यू शुड नो व्हाई यू आर चैंटिंग गोविंदा. सो नाउ यू नो इट इज वेंकटेश्वर्स मोस्ट फेवरेट नेम. नंबर टू, द स्टोरी बिहाइंड इट इज अगस्त्य मुनि, राइट. सो इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू सम मोर अमेजिंग फैक्ट्स, पहले क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठाइए दोनों, एवरीवन प्लीज रेज देयर हैंड्स एंड से गोविंदा. ओके, लेट मी टेल यू सम मोर अमेजिंग फैक्ट्स. पहले ट्विस्ट करके दर्शन करो भगवान के, आनंद लो, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू एन अमेजिंग लीला, व्हाई द लॉर्ड इज सीटेड. वाओ, जय हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज श्रील प्रभुपाद मैजिक भगवद गीता ट्रांसलेटेड इन ऑल लैंग्वेजेस. दिस इज तमिल, तेलुगु 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 में कुछ बोलो सभी को, व्हाई दे शुड रीड गीता, टेल एवरीवन. భగవద్గీత చదవడం ద్వారా చాలా మంది ఉపయోగపడుతుంది. భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏంటంటే, ప్రభుజీ థోడా సా స్లో ఏ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ లిటిల్ థోడా తోరే లావర్ ఇల్ల వరార్ గీత ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ థోడా స్లోలీ. భగవద్గీత చదవడం లౌడ్లీ లౌడ్లీ. భగవద్గీత చదవడం ద్వారా చాలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్నమాట. చాలా భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, భగవద్గీత యొక్క సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినది, అర్జున్ని గోధుడగా చేసుకొని కృష్ణుడు ఆవుగా తాను పాలు ఇచ్చి అర్జునికి తాపినట్టుగా ఈ భగవద్గీత సాక్షాత్ కృష్ణుడు నోటి నుంచి వచ్చినది అన్నమాట. నోటి నుంచి వచ్చినందువల్ల అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో యుద్ధం చేయని అంటాడు. తన పుత్రులు మామలు మేనమామలు తండ్రులు పినతండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు, గురువులు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి నేను చేయను ఈ యుద్ధము, దుర్యోధను నుంచి గిట్ట నా అన్నదమ్ములు అవుతారు కాబట్టి నేను చేయను అని చెప్తాడు. ఆ చేయనని చెప్పడం వల్ల కృష్ణుడే ఈ యుద్ధాన్ని మీరే చేయాలి అని ప్రోత్సహించి ఈ భగవద్గీత యొక్క సారాంశం చెప్తాడు అన్నమాట. చెప్పడం ఎందుకంటే ఈ యొక్క ధర్మ యుద్ధం అన్నమాట, ఇది సాక్షాత్ కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పాండవులు ఎంతో న్యాయవాదులు ఎంతో పుణ్యాత్ములు కాబట్టి వాళ్ళు దౌర్జన్యంగా వనవాసం పంపిస్తారు, మళ్ళీ అజ్ఞాతవాసం గిట్ట పంపిస్తారు, ఎంతో క్షీణింపజేస్తారు. నేను లక్క ఇంటిలో మంట పెడతారు, ద్రౌపది దేవిని వస్త్రాపహరణం చేయిస్తారు, అందు ఎన్నో పాపాలు చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు రాక్షసులు ఉండకూడదు అని దుర్యోధన్ని వాళ్ళ అందరి సైన్యాన్ని మొత్తం నాశనం చేయడానికి కృష్ణుడు అవతరించిండు అన్నమాట. ధర్మ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం అన్నట్టు, ధర్మే రక్షితో రక్షిత అన్నట్టు కృష్ణుడు సాక్షాత్గా ఇక్కడ భగవద్గీత రూపంగా అందరికి విశదీకరిస్తున్నాడు. హరి బోల్ హరి బోల్. భయ్యా ఎస్ ఎస్ ఆప్ మే సే కిసి కో కుచ్ సమజ్ నహీ ఆయా హోగా ఫర్ ష్యూర్, లేకిన్ జితనే భీ తమిళ్ కే జో భక్త్ లోగ్ జో దేఖ్ రహే హై, పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్, దేర్ ఆర్ 1000 పీపుల్ వాచింగ్ దిస్. ఐ వాంట్ టు టెల్ యు ఆల్, దిస్ ఇస్ శ్రీల ప్రభుపాద్ మ్యాజిక్ భగవద్గీత ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ తమిళ్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ మలయాళం, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ చైనీస్, యునో పంజాబీ, మరాఠీ, యునో జూయిష్ లాంగ్వేజ్, అరేబిక్ లాంగ్వేజ్, శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. తో ప్రభుజీ నే ఆంధీ కీ తరహ ఆప్కో బతాయా బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ గీతా. మేరకో సిర్ఫ్ ఏక్ బాత్ సమజ్ ఆయీ జబ్ ఉన్హోనే బీచ్ మే బోలా కురుక్షేత్ర, బికాజ్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కురుక్షేత్ర. కురుక్షేత్ర ధామ్ కీ జై. We have a very senior devotee with us. Prabhuji, please, please come. His Grace Leela Parayan Das Prabhuji hai, hamare ISKCON Tirupati se. Please stay tuned because abhi main aapko upar leke jaunga, bhagwan ke darshan karaunga. Yahan par Radha Govind Dev ji hai with Asht Sakhi and I need to tell you many many leelas and amazing facts of Venkateshwar Balaji, of Tirupati Balaji Bhagwan ke bare mein. Let's just listen something from His Grace Leela Parayan Das Prabhuji. Let me tell you one thing, kisi ko mat batana varna bahut maar padegi. I will just tell you, some years back His Grace Leela Parayan Das Prabhuji was so merciful on me that because of Prabhuji I got darshans of Sri Venkateshwara standing right maybe just two steps, सिर्फ दो कदम की दूरी पे भगवान खड़े थे और प्रभु जी ने ऐसे दर्शन अरेंज करवाए थे
भगवान के सामने खड़े हुए थे. आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू, पीपल कम ओवर हियर इन तिरुपति बालाजी एंड दे स्टैंड इन द लाइंस, दे वेट इन द लाइन फॉर द लॉर्ड टू गिव दर्शन फॉर मेनी मेनी डेज. कुछ लोग 7 दिन, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 2 दिन 4 दिन के लिए खड़े रहते हैं भगवान का दर्शन कराने के लिए. मैंने उस लाइन में भी दर्शन करे हैं, लेकिन प्रभु जी की कृपा से हमें बहुत नजदीकी से दर्शन किए, हमने होश उड़ गए जब हमने भगवान के दर्शन करे. प्रभु जी प्लीज कैन यू शेयर द ग्लोरीज, समथिंग अबाउट वेंकटेश्वर, समथिंग अबाउट तिरुपति दिस धाम. एंड इफ ऑल्सो इफ यू मे अलाउ, वी कैन शेयर योर मोबाइल नंबर. All those people who would like to come and take darshans at ISKCON Tirupati, they can contact you. There are right now 1,100 people listening to us from all over the world. Hare Krishna. So Prabhu said actually, it's not me that arranging darshan for Govind Prabhu like that. He is the one, he is the Supreme Lord. When he wants to give darshan, so darshan not we get, he gives. So that is the prime principle. So Lord wants to see him. Hari, hari. So he arranges, just we are even not instrumental, just he picked up to do some seva. So before glorifying the Lord Balaji pastime, I'd like to give very important message to the who are seeing this video. February 27th, like in Kurukshetra we have a KDB, Kurukshetra Development Board, in the same way the world famous organization TTD is called Tirumala Tirupati Devasthanam. There they have took a very wonderful proposal, they took a determination from TTD, they have passed the resolution. What is that is, so cow should be a holy animal. So they have the board, they have discussed and they sent the proposal to the Prime Minister and also President of India. So immediately the next day they came to ISKCON. Who are the important board members of the TTD, and the request has you also from the ISKCON organization, please make a proposal to the Prime Minister of India and also Prime Minister of President of India, so that they are also bringing making a request to all different organizations, some pitas, that cow should be declared as a holy animal of India, Bharat Bhumi. In the same way, now they again they're discussing that Bhagavad Gita should be the national, but it's not only national, we know is a world, it should be the world, not only the world, it's a trilokya. Okay, whole universe. Universal, this is Bhagavad Gita. So we are very happy. So Govind Prabhu is very energetic young devotee. Any more? Okay. So try to give Krishna consciousness to the people in general. So mainly, so we are in ISKCON Tirupati temple. So taking the blessings of Shri Radha Govindji, yes, and with the blessings of Balaji. We try to share a small pastime of Balaji. Yes, Prabhuji. So Prabhuji, abhi hum sabko ek choti si leela sunayenge Bhagwan Venkateshwar ji ke bare mein. Dhyan se suniyega, uske baad main aapko Radha Govind Dev ji ke अष्ट सखियों के साथ दर्शन कराऊंगा और बहुत सारे ऐसे रोचक. हम मंदिर के छत पे जाएंगे. कैन वी गो टू द रूफ टू शो द हिल? या वी कैन शो द हिल. तो प्लीज लिसन टू द लीला वेरी केयरफुली. सम अमेजिंग फैक्ट्स कमिंग योर वे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्शन ऑफ श्री राधा गोविंद देव जी. यस प्रभु जी. सो विल यू गो देयर नाउ? मे बी यू आर शेयरिंग सम लीला. आई सी. व्हाट? ओके, राइट. सो 1000 इयर्स बैक अप्रोक्सीमेटली, सो श्रीपाद रामानाचार्य, Shripad Ramanujacharya, he used to come from Srirangam. Sri Vaishnava headquarters is Srirangam. From Srirangam, he came by Padayatra with all his disciples. So when the news came to the ashram of in Tirupati, they're making nice arrangements. So they actually for the ashram, one old lady used to give milk for the ashramites. So they said, so we will make the payment. So after the meeting, you please come. So then, so meeting was over. The katha, pravachan, when the Ramachar program was over, then this old lady also came. Then the ashramites, so actually, she requested
I don't want any kind of donation for this milk service. Just I want the blessings of Shripada Ramanacharya. That's to give that kind of arrangement. Then the ashramites, they made arrangement to take you to Ramanacharya, take them to Ramanacharya. Then said, so what kind of blessing you want? They said, so till now, since Balaji is somewhere in the seven hills, so I am finding difficult to take darshan. Now we have nice arrangements. You can go by car, you can go by different kinds of methods. We can go to Tirumala. That time, those who can walk, they can only go to Tirumala and they will take darshan. And said, at least in this lifetime, maybe one time at least I could be able to take darshan. So I find it very difficult. Please bless me so that I can able to take darshan of Lord Balaji. You are very dear to the Lord. So if you can recommend me, if you can bless me, so that I can take the darshan of Lord Balaji. Then for that, what I can do? Then said, in that leaf, sir, so please give your darshan. She wrote. That's, you can give your signature with in palm leaf. That's what she requested. To Balaji. Shripada Ramanacharya. Then Ramanacharya. Shripada Ramanacharya requested. No, well, the old lady requested Shripada Ramanacharya. To give that leaf. In a palm leaf, just please give a darshan with your sign. So that I'll take this, so that I can get nice darshan Balaji. So then he said, okay, that's not a big thing. So Shripada Ramanacharya took that palm leaf. And please give a darshan. So Ramanacharya wrote and he did his signature. Then that old lady took that palm leaf and going to Tirumala. When she just climbed a few steps, then with nicely decorated person, so came running to receive that old lady. Can I translate in Hindi little? Exactly. I was asking to translate in Hindi. Yeah. Then immediately I'll just translate this part. प्रभु जी हम एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं कि एक वृद्ध माता जी है, ठीक है, आजकल के समय में आप गाड़ियों से ऊपर जा सकते हो तिरुमला में, लेकिन ये माता जी बड़ी वृद्ध थी, तो उन्होंने श्रीपाद राम अनुजाचार्य जी, ठीक है, जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये जो राम अनुजाचार्य जी हैं, यही बालाजी के बहुत ही निकट, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से निवेदन किया, भगवान के दर्शन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है। तो उस माता जी ने कहा, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, मैं ज्यादा चल तो सकती नहीं हूं, लेकिन आप अपने एक लीफ पे, ऑन ए लीफ, है ना, ऑन ए पाम लीफ, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप अपने एक पाम लीफ पे, एक पत्ते पे आप अपना सिग्नेचर करके आप लिख दीजिएगा कि कृपया मुझे दर्शन दीजिएगा, प्लीज गिव मी दर्शन। तो वो मैं पाम लीफ को लेकर मैं जाऊंगी तिरुमला ऊपर भगवान का दर्शन करने के लिए, कि आपकी बात को तो मना नहीं करेंगे। तो प्रभु जी जस्ट टोल्ड अस, प्रभु जी ने हमें बताया, जैसे ही वो दो तीन सीढ़ियां चलने लग गई ऊपर, सो देन ए वेरी, यू सेड वेरी हैंडसम मैन, वेरी हैंडसम मैन विद नाइसली डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स एंड ऑल, शी ही केम रनिंग टू रिसीव दैट ओल्ड लेडी। ओ देन ही शी रिसीव्ड वेरी नाइसली एंड ही मेड नाइस दर्शन and she went back to got it. You know who is that handsome person? Yeah, he is noted Balaji himself. Jai ho Govinda. तो भगवान ने क्या किया, वो अपने मंदिर को छोड़कर बाहर आए, और क्योंकि रामानुजाचार्य जी का सिग्नेचर लगे हुए थे और वहां पर लिखा हुआ था कि प्लीज गिव मी दर्शन, तो भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय है, वो अपने मंदिर को छोड़कर उस माता जी को दर्शन करने देने के लिए आए, और वो और कोई नहीं, प्रभु जी ने बताया दैट हैंडसम मैन वॉज वेंकटेश्वर बालाजी। Jai Venkateshwar Swami. So that recommendation process has started 1000 years back only. Yes, absolutely. So for Balaji here now also, if anybody wants to get nice darshan of Balaji, yeah, so they need some recommendation. Oh, so very nice point. Yes. So this process has been started by Ramanacharya. Yes. So what is the recommendation they can? Prabhuji ne bataya ki agar aapko Venkateshwar Balaji ke darshan karne hai, to aapko bhi recommendation chahiye. Jaise us Mataji ne Ramanujacharya ji ka recommendation lagaya. Whose recommendation can they give, Prabhuji? They want to know. Then they should locate who is dear to
Balaji. Who is dear to Balaji? Approach him and make and make a request. आप पता करवाइएगा कि वेंकटेश्वर बालाजी को कौन पसंद है, ठीक है? उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु जी आप प्लीज प्रार्थना करें भगवान से कि हमें दर्शन दें. सो आई वुड से फॉर स्पेशली ऑल द इस्कॉन डिवोटीज या जो भी गॉड या वैष्णव भक्त है, वी नो हु टू रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर. श्रीला प्रभुपाद की जय. तो श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं भी आपका दास गोविंद कृष्णदास कल सुबह भगवान के सुप्रभातम. ये मेरे दोस्त है युवराज जी मचा, ये मेरे साथ 2010-12 बैच एमबीए में मेरे साथ थे. ही स्टेज इन चेन्नई, ही वेरी वार्मली ब्रॉट मी ओवर हियर. सो वी विल बी गोइंग फॉर सुप्रभातम दर्शन, दैट इज लाइक मंगल आरती दर्शन. ठीक है प्रभु जी, आई विल टेक देम अपस्टेयर्स बिफोर द दर्शन स्टार्ट्स क्लोजिंग डाउन एंड देन आई विल मीट यू. यू वांट टू से समथिंग? सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा गोविंद. कैन वी शेयर अ मोबाइल नंबर? Yes. Yeah, but there will be too many calls. It's okay, Prabhu. Yes, please. He is the one who arranges everything. Who am I? So sweet, Prabhu. Please share your mobile number. So anyone who wants to come to ISKCON Tirupati and wants to know more about Tirupati, you can call on this number and you will get all the information. Here. And I'll try to serve you the best. Yes. I'm not all that expert. Still, so you are coming so much devotion with love to, towards Balaji. So whatever possible, I'll try to serve you. Try to do the best service for you. So my contact number is 9000504661. 9000504661. I'm at your service. 9000505050. Yeah. So we'll have to repeat it again. 9000504461. Hotline number hai. VVIP number hai. Sambhal ke rakhna. Thank you. I'll take them for darshan. Hare Krishna. Thank you for your time, Prabhuji. Hari bol. Hari bol. Govinda. 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 चलिए 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 गोविंद कृष्णदास के साथ गोविंद से मिलने चलिए. आइए. Let's go. Look at the beauty of ISKCON Tirupati. Beautiful mandir. अच्छा सभी हाथ जोड़ लीजिएगा. Now you are going to have wow. वो बात कर, अच्छा बात कर. Venkateshwara and along with him his wife Padmavati. सभी हाथ जोड़ लीजिएगा. मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाऊंगा. बिल्कुल मंदिर के एंट्रेंस पे हूं. दिस इज गरुड़ जी द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु. लेट्स पे प्रणाम्स टू हिम. रिकमेंडेशन चाहिए ना. हु कैन गिव अस बेटर रिकमेंडेशन देन लॉर्ड गरुड़ा. जय. याद रखिए गोविंद कमेंट करते रहिएगा क्योंकि यू नो वेंकटेश्वर स्वामी भगवान ने स्वयं बोला है कि जो गोविंद बोलता है उसको तिरुपति धाम में आने का फल अपने आप मिल जाएगा. वाओ. आई रिमेंबर अ वेरी पावरफुल फैक्ट टेकिंग दर्शन ऑफ गरुड़ा. लेकिन आई एम गोइंग टू टेक यू टू द रूफ टॉप ऑफ द टेम्पल और वहां जाकर मैं आपको सप्तगिरी वेंकटाधरी उस पर्वत के दर्शन कराऊंगा जिस पर्वत के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं. वहां पर दर्शन दे रहे हैं सबको. I'm going to tell you some amazing facts abhi upar jaake, okay? Welcome to ISKCON Tirupati Temple. अभी 10 मिनट में दर्शन आपको मिलेंगे. बहुत ध्यान से दर्शन करना. राधा गोविंद देव जी हैं यहाँ पर अष्ट सखियों के साथ, ठीक है? तब तक मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ. लेट्स जस्ट टेक अ क्विक राउंड ऑफ द टेम्पल. Thank you.
एक अमेजिंग फैक्ट मेरे को याद आ गया. देखिए मैं कल सुबह जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने के लिए. बहुत मुश्किल से तो दर्शन मिले हैं. यू नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट वेंकटेश्वर दर्शन इन तिरुपति. इट्स जस्ट लाइक एन एंडलेस लाइन. लेकिन आप यहां पर देखो ध्यान से, भगवान के छाती पर ना नित्य लक्ष्मी जी विराजती हैं. और कल है थर्सडे, ठीक है? यस, टुमारो इज थर्सडे. एवरी थर्सडे बालाजी को पूरा चंदन का लेप कराया जाता है. सो टुमारो जो मेरे को दर्शन मिलेंगे भगवान श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं. तो उनको चंदन लगाया जाएगा पूरे शरीर पर. और जब अगले दिन चंदन उतारा जाता है ना, बिकॉज श्री लक्ष्मी जी ऑलवेज रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ वेंकटेश्वर स्वामी, जब चंदन निकाला जाता है लक्ष्मी जी के जो चिन्ह है, उनका जो चिन्ह है ना, इट रिमेन्स ऑन दैट चंदन. दैट्स सच एन अमेजिंग फैक्ट. एंड आई टोल्ड यू, भगवान के थोड़ी पर हमेशा क्या रहता है, कैम्फर, कपूर रहता है. इसके पीछे बड़ी ही एक बहुत रोचक लीला है, कैसे एक भगवान यहां पर साउथ इंडिया में 12 अलवर हैं. 12 अलवर मींस द 12 अलवर्स, द वेरी वेरी यू नो डिवोटेड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. तो उनमें से एक अलवर जिनका नाम है अलरनाथ अलवर, उन्होंने भगवान के ऊपर एक छड़ी से प्रहार किया था और यहां पर जाकर लगी थी उनके थोड़ी पे. वेरी इंटरेस्टिंग कथा. इफ यू वांट लिसन टू इट, स्टे टिल द एंड. तो यहां पर कपूर लगाया जाता है ठाकुर जी को, थोड़ा सा वो घाव को नरम रखने के लिए. और मैं बता रहा था कि साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि कैम्फर को अगर आप किसी पत्थर पे लगाते हो तो वो पत्थर क्रैक हो जाता है. लेकिन बालाजी हमेशा 24 घंटे कपूर लगाकर रखते हैं, लेकिन उनके विग्रह को कुछ नहीं होता. ये साक्षात नारायण भगवान के. तो तिलक जो है ना, इसकी भी एक बड़ी प्यारी लीला है. ये लाल रंग कहां से आया? दिस इज रिलेटेड टू मोहिनी, मोहिनी रूप जो भगवान ने लिया था. इसके बारे में भी सुनेंगे हम. डू नॉट स्टॉप कमेंटिंग एंड चैंटिंग गोविंद. नंद नंदना गोविंदा श्रीनिवास हरि गोविंदा नित्य निर्मला गोविंदा पुराण पुरुषोत्तम गोविंदा. गोविंदा हरि गोविंदा. ओहो जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल पांडुरंगा. अगला धाम तो पंढरपुर धाम ही है. वाओ, इट्स लाइक लॉर्ड विठल जी इज कॉलिंग राइट एट द एंट्रेंस, कम 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 गोविंद कम. वाओ, मत्स्य कुर्मः गोविंदा. राम परशुराम गोविंदा. बुद्ध कल्कि गोविंदा. अरे भाई किसके दर्शन हो गए. जगन्नाथपुरी धाम की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. ओह जय जगन्नाथ. मत्स्य कुर्मः गोविंदा. बुद्ध कल्कि हरि गोविंदा. जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. అర్థమైంది కదా సార్? ఇలాగా ఏం చేయాలా? భగవంతు నామాన్ని జపం చేయాలా. ఎప్పుడు చేయాలా? ఎంత సమయం చేయాలా? ఎవ్రీడే ఎర్లీ మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్, ప్రతిరోజు ఉదయం పూట అర్ధగంట పాటు జపం చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇట్లే కూర్చోండి, కూర్చున్నారా? ఇలా కూర్చోండి, ప్రశాంతంగా కూర్చొని జపం చేసుకోండి. శ్రీరామ్ గారు ఏమన్నారు?
శ్రీరామదాస్ అంటే చాలా తగ్గారు. భద్రాచలంలో రామ మందిరం నిర్మించారు కదా ఆ శ్రీరామదాస్, ఆయన ఏమన్నారంటే త్రాగరా శ్రీరామ నామం కూడా ఆ నామే దాటించు భవసాగరం. అర్థమైంది, భవసాగరం ఏం దాటిస్తుంది? భగవంతు నామ భవసాగరం దాటిస్తుంది. Srila Prabhupada's soldier preaching the glories of chanting Hare Krishna. बहुत सुंदर दृश्य है, आनंद आ गया. हरि नाम में करो आनंद करमो मरगव 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 मनस. लॉर्ड शिवा शिव ने मनाओ श्री गोविंद 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 बोलते रहिएगा पुकारते रहिएगा. वेंकटेश्वर जी आपको सुन रहे हैं. शिव ने जपनारो मोड़ सारो ये व्यक्ति है एनी पर्सन ఎవరైనా ఉండనండి, మూడు సార్లు ఎవరైతే రామ 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 అని ఉచ్చరిస్తారో ఆ వ్యక్తి 1000 సార్లు విష్ణు శాసనం చేసి. యు హావ్ టు వెయిట్ 5 మోర్ మినిట్స్, ఉస్కే బాద్ राधा गोविंद देव जी के दर्शन और अष्ट सखियों के दर्शन खुलने ही वाले हैं. अभी ठाकुर जी को भोग लग रहा है. 5 मोर मिनट्स. భగవద్గీత విషయం ఎక్కడ చెప్పారంటే 8వ అధ్యాయం చాప్టర్ నంబర్ 8 భగవద్గీత చాప్టర్ నంబర్ 8 చాప్టర్ పేరు వచ్చేసి అధ్యాయం పేరు వచ్చేసి భగవత్ ప్రాప్తి. అధ్యాయం పేరే భగవత్ ప్రాప్తి. ఏం చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 8వ అధ్యాయం తీయండి చదవండి. కృష్ణుడు చెప్పింది అందరికీ అర్థం అవుతుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సూచనలు. ఒకటేనా భగవంతు నామం ఇది ఒకటి. రెండోది ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు జనరేషన్కి కొద్దిగా కఠినంగా ఉంటుంది కానీ ఫాలో చేస్తే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్. అయితే అది ఏంటంటే రెండోది బయట అవుట్ సైడ్ రెస్టారెంట్స్ ఇలాంటి పాత్రలో ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ తినేది తాగేది పూర్తిగా బంద్ చేసుకోవాలి. మానేసి మానేసి ఏం చేయాలి మానేసి ఏం చేయాలి మంచి మంచి పాత్ర తీసుకొని అది కూరగాయలు బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని దాన్ని వండుకోవాలి. ఇంకో వండుకొని విగ్రహం నైవేద్యం పెట్టి నా నైవేద్యం స్వామిని స్వీకరించాలి. ఇది రెండవది. ఏమవుతుంది ఇలా చేస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఏం జరుగుతుంది అంటే మన బుద్ధి పవిత్రం అవుతుంది, మన మనసు పవిత్రం అవుతుంది, మన ఇంద్రియాలు పవిత్రం అవుతాయి. గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద పాప నివారణ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద భక్తవత్సల గోవింద నవనీత చోర గోవింద కమల నయన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద శ్రీనివాస హరి గోవింద. ప్రతి ఒక్క మానవుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయాలి. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి एक बात बताऊं मैं आपको, अमेजिंग फैक्ट. हमारे बालाजी, हमारे वेंकटेश्वर जी जो साड़ी पहनते हैं ना, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे ही वेयर्स अ सिल्क साड़ी. ही वेयर्स अ सिल्क साड़ी और वो जो साड़ी 21 हाथ तो लंबी होती है. इट्स 21 हैंड्स लॉन्ग. 60 किलो की साड़ी होती है वो. इट वेयर्स 60 kg. और एक बात और बता दूं, ऊपर बताऊंगा छत पे जाके. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవిం సరస్వతిం వ్యాసం చతుర్ధయముదీరం.
And everything is possible because of the founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. బోధ చదువుతూనే ఉన్నారు, హిందువులను హత్య చేస్తూనే ఉన్నారు సమాజంలో. ఎందుకు? మన ఐక్యమత్తంగా లేము, మనకు మన ధర్మంలో అవగాహన లేదు, రామాయణం మీద అవగాహన లేదు, మహాభారతం మీద అవగాహన లేదు, శ్రీమద్ భాగవతం మీద అవగాహన లేదు. కొంతమందికి అది ఉంటాయి కూడా అని తెలియదు. మహాభారతం రామాయణం ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, మన ఒక మా ఇష్టం భక్తులు బయట సొసైటీలో ఉండేవాళ్ళు, ఇవన్నీ మీరు రామాయణ మహాభారతం జరిగింది మీరు వాస్తవం నమ్ముతారా నమ్మరా? 99% ఇదంతా ఫేక్, ఒరిజినల్ కాదు అని మన హిందువులే చెప్పారు. అర్థమవుతుంది కదా? రామాయణం జరగలేదంటా మహాభారతం, దిస్ ఈస్ అవర్ సొసైటీ. అందుకే చాలా మన వెరీ బ్యూటిఫుల్ టీచింగ్. ఓకే, నౌ గెట్ రెడీ ఫర్ దర్శన్స్. రాధా గోవింద్ దేవ్ జీ కే దర్శన్ హో రే హై. భగవద్గీత రామాయణం జై. ఐ హావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మోమెంట్ సిన్స్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్. జై దేవి రాధాకృష్ణుని జై. ఓ కృష్ణ అయితే ఇప్పుడు స్వామి ఆర్తి స్పెషల్ ఆర్తి ఉంటుంది. ఆర్తి 2 నిమిషాలు మన దగ్గరకు వస్తుంది. అందరు కూడా 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి. అయితే 2 నిమిషాలు మనం ఏం చేస్తామంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఈరోజు నుంచి విపరీతమైన జపం చేద్దాం. ఎలా జపం చేయాలని చూపిస్తాను. చెప్పండి మనం స్టార్ట్ చేయండి. సో భగవంత ఆర్తి ఒక స్పెషల్ ఆర్తి నోకైన ఆర్తి ఆడే. సో మీరు నోకైన ఇద్దరికి ఆర్తి చేయాలి. సో నోకైన హరే కృష్ణ మంత్ర జపకండి. కేంద్ర జపకం భగవాన్ చంద్రాలే మై స్టార్ట్ సోదే స్టార్ట్ అయ్యి ఆర్తి చెప్పండి. వినండి ప్లీజ్ వినండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ ప్రకారం చెప్పండి. ఈ ప్రకారం చెప్పాలి ఎవ్రీ మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్, ఆ రోజు శుభార్థమే అంట. ప్రతిరోజు మేము కూడా అర్థం పాటు చేస్తున్నాం. ఉంది స్టాండప్ కాన్ఫిడెంట్ అవ్వాలి. సో మీరు కడవకి మాట్లాడదాం. ముందర వచ్చేయమా మందిరంలో మొబైల్ క్యామ్రా అలౌ అయ్యే స్విచ్ ఆఫ్ కొంటాం. మన మందిరంలో మొబైల్ క్యామ్రా అలౌ లేదు, స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. On your extreme right, Shri Sudevi, Shri Rangadevi, Shri Indulekha, Shri Vishakha, Srimati Radharani, Govind Devji, Lalita, చంపకలతా, సుచిత్ర అండ్ శ్రీమతి తుంగ విద్య. ఈ అష్ట సఖీ హై మెయిన్ ఆర్ట్ వేసే 108 మెయిన్ గోపియా హోతీ హై ఠాకూర్ జీ కి. 108 మే సే జో మెయిన్ ఆర్ట్ హై ఉన్కో అష్ట సఖియా కహతే హై. ఉన్కే దర్శన ఆప్ కర్ రహే హో ఇస్ సమయ ఇస్కాన్ తిరుపతి సే. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ దేవ్ జీ అష్ట సఖీ. Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, भी बोलेंगे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। इसके बाद मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ छत पे दर्शन कराने के लिए, बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे आपको उस पर्वत के जिसको हम शेषाद्री कहते हैं, वेंकटाद्री कहते हैं, तिरुमला कहते हैं, जहां पर वेंकटेश्वर बालाजी दर्शन दे रहे हैं। सात पहाड़ हैं, तो यहाँ इस्कॉन तिरुपति के छत से वो दर्शन होते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ अभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे हरे, push up,
नमस्कार करो, माता लो बेटा नमस्कार करो। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, राधा गोविंद भगवान की। एक बार आप भगवान को दर्शन कर लीजिएगा अच्छे से, अब जो मैं आपको सुनाऊंगा ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? इस्कॉन तिरुपति के दर्शन आपको हो रहे हैं? ऑफ कोर्स द फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हाउ आर यू फीलिंग? दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास हैशटैग GKD श्रील प्रभुपाद ब्लेसिंग्स। ये जो आपको दर्शन हो रहे हैं ना, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव, बड़े खोपचे के दर्शन हो रहे हैं। अभी हम मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर ऊपर जा रहे हैं छत पर। बिहोल्ड योर आईज नाउ, जो आपको दृश्य जो आपको देखने को मिलेगा, द दर्शन दैट व्यू दैट यू विल गेट, माय गॉड। याद रखना, वेंकटेश्वर जी ने कहा है, स्वयं भगवान ने, जो गोविंद मंत्र उच्चारण करता है, जो गोविंद नाम एक बार भी बोलता है, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट नेम, ही सेड दैट टू अगस्त्य ऋषि, उसको तिरुपति धाम में आने का फल मिल जाएगा, उसको मेरे दर्शन करने का फल मिल जाएगा। और तो और भगवान ने यह भी बोला था, जो तिरुमला की चढ़ाई करते हुए, चलो ऊपर बताता हूं, ऊपर गोविंदा, ओहो वॉच द व्यू फ्रॉम द टेरेस और फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ इस्कॉन तिरुपति। आर यू रेडी? दोनों हाथ उठा लो, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, दोनों हाथ उठाइएगा, मेरे को दिख नहीं रहा, बहुत धूप हो रही है, दोनों हाथ उठा लो, क्योंकि अब जो आपको व्यू मिलने वाला है घर पर बैठे बैठे, आई एम टेलिंग यू, यस यू आर ऑल फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड यू आर स्पेशल लव एंड ग्रेटिट्यूड, बट वाओ वाओ वाओ। चलिए दिखाता हूं, सभी गोविंद उच्चारण करेंगे और नाउ आई एम शोइंग यू द व्यू। श्रीनिवास हरि गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, नंद नंदना गोविंदा, भक्त वत्सल हरि गोविंदा। दिस ह्यूज माउंटेन दैट यू सी ओवर हियर, ये जो पर्वत के आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात गरुड़ जी हैं। ज्योग्राफिकली इफ यू सी दिस माउंटेन फ्रॉम द टॉप, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, ये जो पर्वत है, ये उस आकार में, ये ना, इसके कई कई रीजंस हैं, कई कई इसकी लीलाएं हैं, कई कई सारे फैक्ट्स हैं, कुछ भक्त बताते हैं, कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो पूरा पर्वत है, ये साक्षात भगवान विष्णु जी हैं जो लेटे हुए हैं। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आप देखोगे कि भगवान लेटे हुए हैं आंख बंद करके। भक्तों का ये भी कहना है, शास्त्र ये भी कहते हैं, दिस इज साक्षात गरुड़ जी हैं, क्योंकि जब आप, मैं तिरुमला जाऊंगा, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं, वो रोड जा रही है, वो अलग ही दुनिया है ये, मैं सही बता रहा हूं। ऐसे ऊपर करके आप जाओगे, ऊपर जाकर ये सात, दिस आर दी कॉल दिस सप्तगिरी, सेवन हिल्स, भगवान सेवेंथ हिल पर जाकर विराजमान है, भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर दर्शन दे रहे हैं। ये देखो, ये रोड जा रही है, इफ आई मे जस्ट जूम इन, यू सी दैट्स द रोड, ठीक है? तो ऐसे आप जाओगे ऊपर ऊपर, वहां पर वैकुंठ है, दैट्स वैकुंठ, साक्षात वैकुंठ है, भगवान विष्णु, वेयर इज लॉर्ड विष्णु स्टे इन वैकुंठ, इट इज जस्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर, आई एम टेलिंग यू। सो यू प्लीज टेक दर्शन ऑफ सप्तगिरी ऑफ वेंकटाद्री, इसके अलग अलग नाम है इस सुंदर पर्वत के। जब हम ऊपर जाते हैं ना बाई कार, एक जगह ऐसी आती है, इफ यू स्टॉप एंड यू टेक दर्शन फ्रॉम
लाइक लिटिल बिट फार यू कैन सी गरुड़ जी, भगवान के जो चैरिटियर है ना द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भगवान गरुड़ जी ऐसे बैठे हैं हाथ जोड़कर, वो आपको पत्थर के आकार में वो दिखता है, शेप है. आई विल शेयर वन फोटो और वन वीडियो. ओके लेट मी जस्ट ट्राई टू जूम इन मोर. वेट, ये देख रहे हो आप वहां पर जो मंदिर का डोम दिख रहा है ना एक, वहां से भक्त लोग पैदल, मैं पैदल चढ़ाई करूंगा भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसे पैदल चढ़कर जाते हैं ऊपर भगवान के दर्शन करने के लिए. चलिए आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बता देता हूं फटाफट. Wow. Nanda Nandana Govinda Srinivas Hari Govinda Nitya Nirmala Govinda Bhakta Vatsala Govinda. भगवान के दर्शन कर लिए आपने, भगवान के हाथ में है शंख चक्र गदा और पद्म. अब लीला सुनो. भगवान जी के बिल्कुल निकट खड़े होकर मैं आपको फटाफट लीला सुनाता हूँ. कुछ लोगों को लगता है कि बालाजी है हनुमान जी, कुछ लोगों को लगता है कि बालाजी शिव जी हैं. आपस में भैंस छिड़ गई भगवान शिव जी के भक्त और विष्णु जी के भक्तों के बीच में. रामानुजाचार्य जी, ठीक है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की जय हो. उन्होंने क्या किया, भगवान वेंकटेश्वर जी के मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, शंख चक्र और गदा और पद्म उनके सामने रखे और भगवान शिव जी के भक्तों ने उनके सामने भगवान के, सुनिए ये जो दर्शन इस समय आपको इस्कॉन तिरुपति से मिल रहे हैं, अभी हम तिरुमला गए नहीं है, अभी हम पहाड़ों के ऊपर हमें जाना है ना, वहां पर है भगवान, वहां पर दर्शन देते हैं. ठीक है, तो अगला जो लाइव सेशन है आज शाम को मैं 5:30 बजे आऊंगा, फिर से लाइव आऊंगा, इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा. प्लीज अगर मेरी टीम मेरे को सुन रही है, इफ यू कैन प्लीज शेयर द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम पेज. आई विल कम लाइव टू नाइट on my Instagram page at 9 o'clock and at 5:30 p.m. I will come, sorry not 5:30, at 5 p.m. I will come live from another beautiful place for darshans. ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, 5 बजे Facebook पे और रात के 9 बजे मेरे Instagram पेज पे मैं लाइव आऊंगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेंकटेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, चलो मैं ऊपर अनाउंस करूंगा तिरुमला में. नाउ तो भगवान शिव जी के भक्तों ने वेंकटेश्वर जी के सामने क्या रख दिया, एक त्रिशूल और एक डमरू रख दिया और भगवान के मंदिर के दरवाजे बंद हो गए कि भैया अगर शिव जी होंगे तो डमरू और त्रिशूल धारण कर लेंगे और अगर भगवान विष्णु होंगे तो वो क्या धारण कर लेंगे, वो शंख चक्र गदा और पद्म. दरवाजे बंद किए गए और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद दर्शनों के लिए जो भगवान के दरवाजे जो हैं है ना, मंदिर के दरवाजे जब खोले गए तो वेंकटेश्वर जी ने अपने हाथ में क्या धारण किया हुआ था, शंख चक्र गदा और पद्म. तो आपको जो भगवान वेंकटेश्वर जी के दर्शन होते हैं ऊपर यहाँ पर तिरुमला हिल्स में, ठीक है, आपको होते हैं भगवान के हाथ में पकड़े हुए शंख चक्र गदा और पद्म. दिस इज साक्षात भगवान विष्णु है, साक्षात भगवान कृष्ण भी है. क्या है नाम के पीछे, तिरुपति बालाजी. बालाजी का मतलब ये बालाजी शब्द पता है कहां से आया है, इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं सुनने को. हाँ, बालाजी शब्द आया है बालक से. एक बहुत ही सुंदर भक्त हुए हैं वेंकटेश्वर भगवान के. एक बार क्या हुआ था, मैं जल्दी में सुना रहा हूं, दर्शन के लिए टाइम वो लेट हो गए दर्शन के लिए और जैसी वो पहुंचे भगवान के दर्शन उनके सामने क्या हो गए, दरवाजे बंद हो गए. उनको लगा मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, मेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो इसी तिरुमला पर्वत से वो क्या करने जा रहे थे, छलांग लगाने जा रहे थे और अपने जीवन अंत करने वाले थे. उसी समय क्या हुआ, एक छोटा सा बालक आया भागता हुआ उनको रोकता है और उनसे कहता है कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी आप अपनी जान मत दीजिएगा, भगवान आपको दर्शन देना चाह रहे हैं, देखिए देखिए भगवान के दर्शन खुले तो हुए हैं.
जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं वेंकटेश्वर भगवान उनको दर्शन दे रहे थे, उनको समझ आ गया ये तो और कोई नहीं है, ये साक्षात ये जो बालक है यही तो वेंकटेश्वर है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने भगवान को पुकारते हुए वेंकटेश्वर बालाजी, वो एक छोटा सा बालक है लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो वेंकटेश्वर ही आए हैं, भगवान ही आए मेरे को दर्शन देने के लिए। वो समझ गए थे कि ये लड़का और कोई नहीं है, ये तो साक्षात वेंकटेश्वर है। तो उनको नाम दे दिया वेंकटेश्वर बालाजी, कि बालक तो हैं लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुल बालक हैं, ऐसे वैसे कोई बालक नहीं है, तो बालाजी लगा दिया, बालक के पीछे जी लगा दिया। सो आई एम श्योर यू डिड नॉट नो दिस व्हाई द लॉर्ड इज कॉल्ड वेंकटेश्वर एंड व्हाई वी से गोविंदा, कैसे भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, व्हाई ही कीप्स कैम्फर ओवर हियर। मैंने अभी आपको वो लीला नहीं सुनाई है, बहुत सारे और अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं। रेस्ट जो भी आपको कथा लीला सुनने को मिलेगी तिरुमला ऊपर, इस लाइव सेशन को खत्म करने के बाद आई एम गोइंग ऑन टॉप ऑफ तिरुमला, मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ भगवान पूरे त्रिलोकी पूरे संसार को क्या कर रहे हैं, पाप से विमुक्त कर रहे हैं, वेंकटेश्वर धाम। ये वेंकटेश्वर बालाजी हैं, वेंक का मतलब होता है पाप और कट का मतलब होता है विनाश करना, समाप्त करना, काटना। जो भगवान आपके पापों को काट दे वही तो है वेंकटेश्वर बालाजी। दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। एक बार भगवान के मंदिर का आप दर्शन कर लीजिए और सभी मिलकर प्रेम से बोलेंगे गोविंदा श्रीनिवास हरि गोविंदा नंद नंदन हरि गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। क्या आपको पता है आपका दास गोविंद कृष्ण दास आपको दी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव, हम भगवान नृसिंहदेव जी के जन्म स्थान से जिस खंभे से भगवान प्रकट हुए थे उस अद्भुत धाम अहोबलम दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। लग रहा है भगवान सब दर्शन दे रहे हैं, कौन कौन बुलाना चाह रहा है, विट्ठल जी ने दर्शन दिया, अब यहां पर भगवान नृसिंहदेव जी दर्शन दे रहे हैं। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा प्रहलादेशे जय पद्म मुखा पद्म भृंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आई स्टिल कांट बिलीव इट आई एम इन द लैंड ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, आई कैन नॉट बिलीव इट आई एम इन तिरुपति। हरे राम 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 हरे हरे। लुक एट दिस मेस्मराइजिंग इस्कॉन टेम्पल एट तिरुपति, ब्लू बिल्डिंग, वाओ। बैठ हाँ भक्त तो बोल रहे हैं धूप ज्यादा जा रहा है प्रभु जी, इन धूपों में इन इन सर्दियों में और इन बारिशों में ही तो प्रचार करना पड़ेगा, रुक गए तो कैसे काम चलेगा। मत्र स्पर्शस्तु कौनते शीतोष्णाशु ज्यादा है शीतोष्णाशु का दुख कदा आगमा पाइनो नित्यस्तम तितिक्ष्वस्त भारत। हे अर्जुन सर्दी गर्मी ये सबको सहन करते हुए, सुख दुख हानि लाभ को सहन करते हुए प्रचार करो भाई। श्रील भक्ति सिद्धांत अशोक ठाकुर जी का आज अपीयरेंस डे है और चल रहा है ओह पुष्पांजलि चल रहे हैं, लेट्स गो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज और आज इस्कॉन है तो उनकी वजह से ही इज द लाइन गुरु। हाँ लाइन गुरु कहलाते हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। उनके कारण श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन प्रारंभ किया था श्रील भक्ति सिद्धांत अशोक ठाकुर जी। मैंने आपको उनके डिसअपीयरेंस डे पे दर्शन दिलाए थे चैतन्य मठ से श्री मायापुर से जहां पर उन्होंने अपना दिव्य शरीर त्यागा था। उनकी पुष्पांजलि हो रही है, फटाफट उनके लिए उनके चरणों में जाकर पुष्पांजलि करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट वी आर गेटिंग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लाइव एट 5 PM और उसके बाद 9 o'clock ऑन माई इंस्टाग्राम। That is His Grace Revati Raman Prabhuji. He is the temple president of ISKCON Tirupati. Very senior disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. चलो ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं।
हमें श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को पुष्पांजलि करने का यहाँ पर सौभाग्य मिल रहा है। मंत्रों को ध्यान से सुनिएगा और आप भी पुष्पांजलि में भाग लीजिएगा।
So this is my humble attempt to show you darshans of ISKCON Tirupati. मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, I am extremely sorry. I just arrived yesterday at 1 a.m. in Chennai. Chennai से मैं 4 घंटे लगाकर अभी सुबह यहीं पर पहुंचा हूँ. I actually reached at 11:45 and we had the live session at 12 p.m. Who's calling me? दर्शन बंद हो रहे हैं, एक बार आप दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे. आप राधा गोविंद देव जी के अष्ट सखियों के दर्शन कर लीजिएगा. दर्शन बंद हो रहे हैं, फिर पता नहीं कब दर्शन हो या ना हो. ठाकुर जी बड़े प्रेम से दर्शन दे रहे हैं अभी, उसके बाद कुछ बातें करेंगे. जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय. हे श्री राधा गोविंद देव जी अष्ट सखी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्तों की ओर से जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं. हे गोविंद देव जी, हे वेंकटेश्वर बालाजी, हे परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सुर ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी, आपके चरणों में आपका ये मूर्ख दास प्रार्थना कर रहा है, कृपया सभी भक्तों को जल्दी से जल्दी आपके दिव्य दर्शन, आपके अद्भुत दर्शन, आपके दुर्लभ दर्शन सभी को प्राप्त हो. हे गोविंद देव जी, आप सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें. हे वेंकटेश्वर बालाजी, सभी भक्त वृंद को आपके दर्शन सुलभ हो. मे एवरी वन गेट योर दर्शन. May we all remain surrendered in your lotus feet. May we never deviate from bhakti. May we all boldly preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mataji, 2 minutes. Abhi darshan band hoga, fir main aapse baat karta hu. चलिए मैं आपको बता देता हूं. सो आई टुक यू टू द लैंड ऑफ द ईटिंग गॉड, ईटिंग गॉड लॉर्ड जगन्नाथ. हम जगन्नाथपुरी धाम साथ में गए थे. वी हैव बीन टू द लैंड ऑफ द डांसिंग गॉड श्री गौरंग महाप्रभु, जिन्होंने पूरे संसार में कृष्ण नाम युग धर्म की स्थापना करी. वी वेंट टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन श्री मायापुर धाम गौरंगा नित्यानंदा. उसके बाद कुंभ का स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान नहीं महाकुंभ स्नान, जो फर्स्ट डे था बसंत पंचमी पे, हम श्री वृंदावन धाम, सभी का प्राण प्रियतम, एवरीवन्स फेवरेट श्री वृंदावन धाम हम गए थे. यमुना जी का हमने स्नान किया था. उसके बाद हम नित्यानंद त्रयोदशी के लिए कुरुक्षेत्र धाम, द लैंड ऑफ भगवद्गीता, आप मेरे साथ थे. तो बेसिकली वी बीन टू ओडिशा, वी बीन टू बंगाल, देन वी वेंट टू हरियाणा कुरुक्षेत्र धाम, एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू वेट दर्शन. जय जय श्री राधा गोविंद देव की जय. हाँ, तो मैं कह रहा था कि नाउ आई हैव कम टू द लैंड ऑफ द स्टैंडिंग गॉड.
Lord Vishnu, Lord Venkateshwar Balaji, the land of opulence, the land of opulence, Aishwarya, जहां पर आकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे वेंकटेश्वर जी का दुनिया का सबसे बड़ा जो लड्डू है वो हमारे वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में ही बनता है, जहां पर आकर सभी अपने पता है ना बाल कटवाते हैं, हम तिरुमला की चढ़ाई साथ में करेंगे, हम बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं सुनेंगे वेंकटेश्वर बालाजी के, हम स्नान करेंगे, यात्राएं करेंगे, भजन गाएंगे, एवरीथिंग इज कमिंग योर वे विद योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास तिरुपति बालाजी यात्रा लाइक नेवर बिफोर, आई प्रोमिस यू। ये तो अभी बस शुरुआत है, इतना आनंद, इतना नेक्टर आपकी ओर आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार कमेंट करो गोविंदा गोविंदा। चलिए हरि बोल, चलो चलो माता जी बोलो गोविंदा। माता जी बहुत देर से वेट कर रही है ना, आई एम सॉरी 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 सॉरी, यू आर ऑल्सो वेटिंग। से हरे कृष्णा टू एवरी वन। वॉट इज योर नेम? माय नेम पी बाती बाई। और माता जी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ सेल्फियां चाहिए भाई, मेरे बोला कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम लॉगिंग ऑफ एंड सी यू एंड मीट यू एट तिरुमला। चलिए बाहर चलते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र धाम की जय। हरी बोल। एंड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, यस, बैक इन द लोटस फीट ऑफ श्री वेंकटेश्वर बालाजी। चलिए ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग यू right at the entrance of the temple, and this is where we started from, signing off. Off, I'm about to be off, bahut dhoop pad rahi hai, ek bar haath utha lo. Srinivasa Hari Govinda Venkatramana Govinda Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Srila Prabhupada ki jai, Srila Ramanujacharya ji ki jai, समस्त अलवर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आपका दास गोविंद कृष्णदास जी के लिए।